स्टार्टर खा के वेट कर रहे हैं मेन कोर्स का। ईबू का तो मेन कोर्स ही स्टार्टर है, बाकी लोगों का आने का है। मसाला पापड़ खा के वेट कर रहे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज रहने का फर्स्ट बात हुआ, बात करके अभी पड़ी हुई है रहने। इसमें रोने वाला क्या बात है? ऐसे वाला वीडियो ले बोल रहा, चूहा टाइप का आवाज निकालती है रहने। तो बढ़िया नाश्ता करते हैं, इसके बाद जाऊंगा। कल जो HDMI केबल ले आया था, इसमें ARC नहीं है, मतलब ऑडियो रिटर्न कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको वापस करा के आऊंगा। और जो प्रोफाइल लाइट लाया था वो कुछ एक्स्ट्रा हो गई थी, वो भी वापस कराने जाऊंगा। तो नाश्ता करके चलते हैं बस। तो गाइस टाइम हो गया 12:30, चाय पीते हैं, इसको वापस करते हैं। और फिर मेरी दोस्त अनु मेरा वेट कर रही है, उससे मिलने जाएंगे। तो बेबी के लिए आया है स्टेरलाइजर, डैमेज बॉक्स टाइप का है यार। क्या रिशु के फोन में आया ना? नहीं आया। अरे उसके ऐप में दिखा रहा होगा ना, जिस ऐप से ऑर्डर करी है। ये देख। आप मम्मी के फोन से करी है? तो ये है नया स्टेरलाइजर चीको कंपनी का, और ये आया अभी पेपर टॉवल होल्डर किचन के लिए और पेपर टॉवल्स। तो अब मैं फिलहाल निकलता हूँ, अपना सामान रिटर्न करके आता हूँ। तो सबसे पहले आए ODC HDMI केबल वापस करने और दूसरा लेने। तो चेंज करके हम लोग ने ले लिया है ज़ेब्रोनिक्स का, ये है ऑडियो रिटर्न चैनल। ये इसके बिना वाला HDMI रहता है ना, तो उसमें साउंड नहीं आता होम थिएटर से, ये वाला अच्छा क्वालिटी का है। तो अब इसको लेकर चलते हैं, अब लाइट वापस कराने और सोनू भाई का भी कुछ सामान लेना है। अब सोनू भाई के काम से आए हम लोग PVC टेप लेने। अच्छा बॉर्डर बनाने के लिए, तो ऐसा बोलना था ना मेरे को भाई। मेरे को मीटर बताया नहीं। इसको रोल ले जाएंगे, रिटर्न होता है नहीं तो फिर कॉल करके पूछ ले। ले चल ले चल, बहुत ज़्यादा लगाना है ना तेरे को। तो अब आ चुका अरोरा लाइट्स, लाइट वापस करने के लिए। बाय ब्रो। बाय बाय। शाम को जाएगा क्या कहीं? चलते हैं कहीं? ओके चल बाय। A few inches later. Guys, तो 128 हो गया। मेरे को अपनी दोस्त से मिलने जाना था, बहुत देर से वेट कर रही बेचारी। अभी निकल रहा हूँ मैं, मम्मी मेरे को बार बार कुछ ना कुछ काम दे देती है। अभी भी ये काम दे ही रही थी, लेकिन मैं बोला अब जाता हूँ, मैं पहले मिल के आ जाता हूँ फिर करूँगा। तो खूब तेज बारिश हो रही है, अब जाता हूँ वो CC में वेट कर रही है, उसको उठाता हूँ जाके। बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश का मौसम है, अभी तो फिलहाल धीरे धीरे हो रही है। यहाँ भिलाई में, दुर्ग में तो जोर से हो गई थी बारिश। 5-10 मिनट और लगेगा CC पहुँचने में। हेलो, व्हाट इज अप? एकदम सूट वूट पहन के निकले आज। अरे यार नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग आए कैफे बिरयानी, जो कि दिख भी नहीं रहे यहाँ से। इसके बारे में बहुत सुना है कि बिरयानी अच्छी है, खा के देखते हैं। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है मटन हैदराबादी दम बिरयानी और चिकन रोस्ट, जिसमें से चिकन रोस्ट आ चुका है। ले आओ। कैसा लग रहा देख के? हाँ टेस्ट करके बताओ। मेरे को तो फिश जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाला फिश देख के लग रहा है। हाँ बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है।
लेकिन ऐसा लगता है कि टेस्ट अच्छा है। जैसे KFC का होता है, आउटर है, क्रिस्पी। अच्छा अच्छा, सच में अच्छा, अच्छा लगा। तो मटन बिरयानी आ चुका है, हाफ में 3 पीस है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, और एक बॉइल्ड एग भी है हाफ। तो अभी इसको खाकर बताते हैं। रोस्ट तो बहुत ही अच्छा था, अब बिरयानी खा के बताते हैं कैसा है। कैसा लगा खाना? मुझे चिकन रोस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। रोस्ट एक्चुअली में अच्छा था, मटन थोड़ा अंडर कुक था, लेकिन अच्छा था, टेस्ट अच्छा था ओवरऑल। तो अब बिल करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके बाय बाय। मेरे को दिखा नहीं था ना पानी है नीचे। ओके बाय भाई। तो इतना खतरनाक बारिश हो रहा है, मतलब वीडियो में तो एकदम क्लियर दिख रहा है, नेकेड आइज से नहीं दिख पा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो अभी मैं निकल गया हूँ घर। घर में आए हैं प्रदीप भैया जो कि हमारे प्लम्बर हैं। कुछ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है घर के ड्रेनेज में, तो वही ठीक करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो गाइस आ चुका हूँ मैं घर, और भैया जो है प्लम्बर भी है, वो मेरे को बताया कि किचन वाला जो ड्रेनेज है उसमें चूहा अंदर कुछ ला के फंसा दे रहे हैं, तो उसका जो फिक्स है वो 3,800 रुपये का। कुछ बाहर के ड्रेनेज में कुछ लगाते हैं सिस्टम जिससे फिर चूहा नहीं आएगा, तो 3,800 रुपये का। तो हम लोग उसको बाद में कराएंगे। और जो सिंक के पास जो लीक हो रहा है उसमें कुछ एसिड डालना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एसिड अभी बनाने बोल दें भैया, थोड़ी देर में वापस आएंगे। अभी भैया रुके हुए हैं बारिश हो रहा करके, फिर जाके लेके आएंगे वो। तो नए स्टेरलाइज़र को हम लोग लगा के देख रहे हैं, स्टेरलाइज करने का कोशिश करने वाले हैं। ऑन ही हो गए डायरेक्ट, रुक जा इसको बंद करने दे। ढक्कन को ऊपर वाले में रखना है। अब यहाँ पीछे इसके स्विच दिए है, इसको ऑन करते ही ऑन हो जाएगा। 10 मिनट रखना है, तो अभी हो रहा है 326, 336 में हो जाएगा। काम करेंगे, काम दिन भर काम ही तो बोलते हो। तो आज का काम है ये सब बर्तन, ये सब बर्तन को किचन में शिफ्ट करना है। वो तो आगे के भी लगाना है, अभी ठीक किया भी नहीं। तो पहला डब्बा खोल लिया हूँ, इसमें है स्पून, स्टील के कटोरी। क्या करोगे मम्मी, ग्लास वाला रखना चाहिए, तो इसके पीछे पड़े हो, इसको रखोगे। इसको डब्बा मत खोलना, डब्बा को नीचे डाल दिया। कचड़ा जमा करने का काम चालू कर दिया, कुछ भी काम पकड़ा। मैं बिना रेस्ट का, हम सुबह से उठ के काम कर रहे हैं। क्या काम किया? रहने को देखी, नहलाई, दूध पिलाई। तो ये क्या काम है? बच्चे को पालना कोई काम नहीं होता, समझ में आया ना मम्मी? काम वो होता जैसे गिनाया जाए। आप गिनाओगे मतलब आगे जाके रहने को? देख रहे हो गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30। सोनू भाई आए हैं, सोनू भाई के साथ थोड़ा घूम के आ रहे हैं, तो इसके बाद मुझे जाना है खावा। क्यों बे? चाची का हैप्पी बर्थडे टू यू है ना गाइस। साला तो तेरे को वापस छोड़ देता हूँ। क्यों, कहाँ लेके जा रहा है? मैगी लेके जा रहा था यार। चलना खा लूंगा थोड़ा सा। तो भाई और मैं जा रहे हैं मैगी, फिर जाएंगे ढाबा। ऑर्डर कर लिया अपना दो महाराजा मैक पेरी पेरी फ्राइज, और इसके बाद मेरे को ढाबा भी जाना है खाने के लिए। तो फुल खाना पीना ही होगा बाहर। भी जाता है ना, थोड़ा ध्यान देना। कहाँ जाता है? नहीं जा रहा हूँ, एक दिन गया था बस, एक दिन का ब्लॉग। गाइस आपको एक दिन का ब्लॉग देखो, जब जिम गया था, और आज देख लो गाइस, ये नया आया हुआ है यहाँ पे क्रिस्पी चिकन, ट्राई कर सकते हो अभी।
अभी मेरे को वो दे दे। तो काफी के हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। ओवर हो गया तो खाना पीना भी ढाबा जाके भी खाना पड़ेगा, सबसे बड़ा मुश्किल का बात तो यही है, मुश्किल। ओके ब्रो बाय। चाचा लोग तो अभी निकल रहे हूँ ढाबा के लिए, मैं भी पहुँच गया हूँ, हम लोग भी निकलते हैं बस। अब मैं तो ऐसे ही चले जाऊँगा, सोच रहा हूँ तैयार होने का मन नहीं है बिल्कुल। चलो मम्मी मम्मी चलो, चाचा लोग तो अभी निकले। सुबह का मटन बिरयानी बच गया था, पार्सल करा के लाया था और यहीं बाहर रख दिया था। गैया खा रही है मटन बिरयानी, बताओ। वेजिटेरियन गैया भी अब नॉन वेजिटेरियन हो गई। तो बस अब निकलते हैं जलसा ढाबा के लिए और डायरेक्ट अब वहीं जाके दिखाता हूँ आप लोगों को भी। तो पहुँच चुके हैं जलसा ढाबा, जिसको मम्मी रीनेम करके वलसा ढाबा करने वाली है, जे के जगह वी लगा के। हेलो हैप्पी बर्थडे, तैयार हो क्या? हाँ, कोलकाता फ्राइड चिकन नाइस गाइस, अब यहाँ आना। स्टार्टर खा के वेट कर रहे हैं मेन कोर्स का, इबू का तो मेन कोर्स ही स्टार्टर है, बाकी लोगों का आने का है। मसाला पापड़ खा के वेट कर रहे हैं सब लोग मेन कोर्स आने का। 9:55 हो गया, रिशु और रहने घर में अकेले। तो मेन कोर्स आ चुका है, पंजाबी चिकन, गार्लिक नान और राइस वगैरह भी आना बचा है, वो नहीं आया। गाइस हमारा डिनर हो चुका है और बस अब बस घर निकलने वाले हैं। अब तो गाइस खाना पीना करके हम लोग आ गए हैं कार में बैठ के, चाचा लोग का वेट कर रहे हैं, चाचा लोग आएंगे फिर निकलेंगे। चाचा लोग और बुआ लोग सब अंदर ही बैठे हैं अभी तक, आ रहे हैं धीरे धीरे फिर निकलते सुबह करके लिए। तो फिलहाल हम लोग रुके हैं फूड पार्क में क्योंकि सबको आइसक्रीम खाना है, तो यहाँ ज्ञानीज है तो मुझे तो नहीं खाना, तो मैं कार में ही बैठा हूँ। बाकी जितने लोगों को खाना वो सब जा रहे हैं, मम्मी लोग, पप्पा को भी नहीं खाना तो पप्पा भी कार में ही बैठे हैं। हाँ तो वेट करते हैं इन लोगों आइसक्रीम लेके आने का। Two hours later. हम लोग आ चुके हैं डिनर वगैरह करके, तो आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।